5 जुलाई सन 2016 वो तारीख थी जब नासा द्वारा सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट जूनो ने बृहस्पति की ऑर्बिट में प्रवेश किया। तब से लेकर आज तक लगभग 6 साल बीतने को हैं और इन 6 सालों में नासा ने जूनो स्पेसक्राफ्ट से ढेर सारा वैल्यूएबल डेटा हासिल किया है और वो जानकारियां जो आज तक हम इंसानों से छिपी हुई थी फाइनली अब वो उजागर होने जा रही हैं। वेल, आज के इस एपिसोड में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर जूनो स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति ग्रह पर क्या देखा, आखिर किन राजों से पर्दा उठाया गया और कौन सी नई मिस्ट्रीज को इंसानों के सामने रखा। तो दोस्तों, अगर आप भी जुपिटर के तिलिस्मी बादलों के पार जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखें। आइए अब रुख करते हैं धरती से 3 अरब मील की दूरी पर मौजूद जाइगेंटिक जुपिटर का। 5 अगस्त सन 2011 को फ्लोरिडा स्थित नासा के केप कैनेवरल लॉन्च स्टेशन से रवाना होने के बाद पूरे 5 साल तक सफर में रहते हुए जूनो ने 2.8 बिलियन किलोमीटर का सफर तय किया और फाइनली 4 जुलाई सन 2016 की तारीख को जुपिटर की ऑर्बिट में दाखिल हुआ और अपने काम को अंजाम देने में जुट गया। इस कड़ी में सबसे पहले जूनो ने गैस जाइंट से अपनी दूरियां घटाई और ऑर्बिट में ही रहते हुए इस ग्रह के काफी नजदीक पहुंचा। प्राइमरीली जूनो ने अपने भीतर लगे ऑप्टिकल सेंसर्स और कैमरा से जुपिटर की तस्वीरें लेना शुरू की और ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जूनो स्पेसक्राफ्ट की सबसे पहली तस्वीर जिसे जूनो ने 27 अगस्त सन 2016 की रोज कैप्चर किया था। इस इमेज को लेते हुए जूनो जुपिटर की क्लाउडी सरफेस से महज 94,500 किलोमीटर की दूरी पर था। इस इमेज में खास तौर पर जुपिटर के साउथ पोल का एक्सटेंसिव व्यू देखने को मिलता है। इसके अलावा साल 2017, 18 और 19 में जूनो ने कुल 28 रॉ इमेजेस को कैप्चर किया जिसने अलग अलग एस्पेक्ट्स और रेफरेंस पॉइंट से जुपिटर की जानकारी हम तक पहुंचाई। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के वेल नोन द ग्रेट रेड स्पॉट से भी होकर गुजरा और फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नासा के पास मौजूद जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट की सबसे डिटेल्ड इमेजेस हैं। इसमें बृहस्पति पर सदियों से चल रहे इस तूफान की हलचल को साफ साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीर जुपिटर से 16,535 किलोमीटर पर रहते हुए जूनो ने कैप्चर की थी। इसके बाद अगले ही दिन यानी कि 11 तारीख को एक बार फिर जूनो ने इस ग्रेट रेड स्पॉट का दृश्य अपने कैमरे में कैद किया मगर इस बार ये जुपिटर के बेहद नजदीक महज 8,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था और ये इमेज पिछले वाली की अपेक्षा और भी अधिक क्लियर और डिटेल्ड थी। यहाँ न केवल जुपिटर बल्कि जूनो ने अपने मैन्यूवर्स के दौरान जुपिटर के कई चंद्रमाओं को भी नजदीक से देखा और बाकायदा उनकी डिटेल्ड इमेजेस भी जारी की। इस फेरिस्त में जुपिटर के तीसरे सबसे बड़े चांद आयो का नंबर आता है जिसे जूनो कैम ने पहली बार सन 2017 के सितंबर महीने में देखा और हाल ही में बीते साल सन 2021 में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति के सबसे बड़े चांद गैनीमेड को भी नजदीक से देखा। यहां तक कि इसकी इंफ्रारेड इमेजिंग भी की गई और अगले कुछ महीनों में हो सकता है कि इसका एनकाउंटर जुपिटर के कुछ और चंद्रमाओं से भी हो। बात करें अगर जुपिटर के साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स और अकम्पलिशमेंट्स पर तो ये स्पेसक्राफ्ट एक नहीं बल्कि कई मकसदों के साथ इस दानवीय ग्रह पर पहुंचा था। इस स्पेसक्राफ्ट का पहला और सबसे अहम उद्देश्य था सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर की कॉम्पोजिशन और ओरिजिन को समझना, बाद बाकी जुपिटर के इनर ट्रुथ्स को रिवील करना और इसके मैग्नेटोस्फीयर को स्टडी करना। इसके दूसरे कुछ और अहम गोल्स थे। इस क्षेत्र में जूनो ने बेहद सीरियसली अपने सभी गोल्स को पूरा किया। अब चाहे वो गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के अधूरे रह चुके काम को अंजाम तक पहुंचाना हो या फिर ओवरऑल जुपिटर के मैग्नेटिक और ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन को पूरा करना हो, सभी उद्देश्यों को अपनी क्षमता अनुसार जूनो ने पूरा किया और फर्दर रिसर्च के लिए इंसानों को एक नया आयाम, एक नजरिया भी दिया जिसे इसके अगले सक्सेसर पूरा करेंगे। जहां तक बात है जूनो की सबसे बड़ी अचीवमेंट की तो साल 2020-21 में जूनो जुपिटर के स्पेक्टेकुलर क्लाउड से महज 3400 किलोमीटर की दूरी पर था जब इसने बेहद बारीकियों के साथ जुपिटर पर अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से रिसर्च वर्क स्टार्ट किया। इस दौरान इंसानों की अब तक की जुपिटर को लेकर सभी अजम्पशंस को वेरीफाई और रीचेक किया गया। जुपिटर की प्लेनेटरी कॉम्पोजिशन और इसकी लिक्विड कोर का फैक्ट चेक हुआ और तो और इसी दौरान जुपिटर के मैग्नेटिक पैटर्न की भी इंटेंसिव स्टडी हुई जिसने इंसानों की जुपिटर को लेकर समझ को कई गुना ज्यादा बढ़ाया और जुपिटर एक्सप्लोरेशन की संभावनाओं के नए द्वार खोलकर रख दिए। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर पर लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कने के फिनोमिना को भी डीपली स्टडी किया जिसके बाद 40 साल पुरानी भ्रांति को तोड़ा जा सका। इनफैक्ट ये पूरा सच हम जान चुके हैं। असल में जब वॉयजर्स और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर को फ्लाईबाय किया तो वहां से आ रही कुछ रेडियो डिस्टरबेंसेस को ट्रेस किया गया
जो कुछ और नहीं बल्कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हो रही बादलों और चार्ज पार्टिकल्स की हरकतों का नतीजा था। शायद तब ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई थी कि क्या जुपिटर पर होने वाली लाइटनिंग पृथ्वी से रिलेटेबल है या नहीं, बट थैंक्स टू द जूनो जिसने इस रहस्य से भी पर्दाफाश किया और जुपिटर पर हो रही लाइटनिंग को स्पष्ट किया। असल में जुपिटर पर भी धरती की ही तरह बादल हैं, और जब इन्हीं बादलों में चार्ज पार्टिकल्स का इम्बैलेंस होता है तो बिजली कड़कने का वाकया पेश आता है। वैसे जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट को तो हम जानते ही हैं, मगर क्या आपने कभी जुपिटर पर मौजूद ब्लू स्पॉट के दर्शन किए हैं? नहीं तो ये देखिए, ये तस्वीर है जिसे जूनो स्पेसक्राफ्ट ने सन 2017 को नासा JPL को भेजा था। इस तस्वीर में आप जुपिटर के साउदर्न हेमिस्फीयर पर एक बड़े नीले घेरे को देखेंगे। बता दें कि जब इस घेरे को नजदीक से देखने के लिए जूनो को इसके पास लाया गया तो जूनो कैम ने इसकी प्रॉपर इमेजिंग की तो नतीजा देख वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। रिसर्च में पाया गया कि ये ब्लू स्पॉट कुछ और नहीं बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एक बेहद इंटेंस और आइसोलेटेड पैच है जो करीब करीब पूरे इक्वेटर को अपनी जद में लिए हुए है, जो कि ये किसी रिंग की तरह प्लेनेट को ऑर्बिट भी करते जा रहा है। जूनो स्पेसक्राफ्ट से मिली रीडिंग्स के हवाले से ये बात साफ हुई है कि ये नीला मैग्नेटिक फ्लक्स घेरा जुपिटर की अजीबोगरीब मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रहा है, जिसके चलते प्लेनेट के मैग्नेटोस्फीयर में रेज का एक अजीब डेविएशन नोट किया गया जो एबनॉर्मली घट और बढ़ रहा है, जिस कारण से जुपिटर पर चल रहे तूफान कई दशकों से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और साथ ही बीतते वक्त के साथ साथ इनकी संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। जूनो स्पेसक्राफ्ट का पावर मैनेजमेंट भी एक शानदार स्टेट ऑफ आर्ट साबित हुआ। बता दें कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की अब तक की हिस्ट्री में जूनो ही वो अकेला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो आउटर स्पेस के क्रायोजेनिक एनवायरनमेंट में रहते हुए भी एनर्जी के लिए अपने में इंस्टॉल ऑनबोर्ड सोलर पैनल्स पर डिपेंडेंट है। सूरज से बेहद दूर होने के बावजूद भी आज जूनो केवल अपने सोलर पैनल्स के दम पर 435 वाट की एनर्जी जनरेट कर पा रहा है। ऑब्वियसली अर्थ की अपनी होम ऑर्बिट में बिजली का प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा था, बल्कि जब सन 2011 में इस सफर का आगाज हुआ था तब जूनो 14 किलोवाट तक का पावर प्रोडक्शन कर पा रहा था, मगर जैसे जैसे इसने सूरज से दूरियां बढ़ाई तो इसका पावर प्रोडक्शन भी घटने लगा, जिसके बाद आज ये 435 वाट पर आ पहुंचा है। मगर इसके बावजूद भी आज स्पेसक्राफ्ट के अधिकतर एसेंशियल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशनल हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले आने वाले कुछ सालों तक मिशन ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मगर जूनो से पहले जिन स्पेसक्राफ्ट्स ने जुपिटर की हदों को लांघा या फिर जुपिटर पर ही अपना डेरा जमाया, वो मोस्टली पावर के लिए अपने भीतर लगे ऑनबोर्ड RTGS यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर पर ही निर्भर थे। आखिर में अगर बात करें जूनो स्पेसक्राफ्ट के भविष्य की तो इसके शुरुआती प्लान के अकॉर्डिंग तो अब तक जूनो मिशन को खत्म हो जाना चाहिए था, मगर हाल ही में नासा ने एक अपडेट देते हुए मिशन के ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है और सन 2025 तक मिशन ड्यूरेशन को एक्सटेंड भी कर दिया गया है, यानी आने वाले अगले 3 सालों तक निरंतर जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के राजों से पर्दाफाश करता रहेगा और सितंबर सन 2025 में मिशन एंड होने पर ये स्पेसक्राफ्ट भी जुपिटर में ही समाहित हो जाएगा और हमेशा के लिए उसका एक हिस्सा बन जाएगा। आखिर में कुछ इस तरह से जर्नी को खत्म किया जाएगा। वैली कुछ कुछ सैटर्न पर क्रैश हुए कैसिनी हाइजन जैसा ही लगता है, तो क्या आप कैसिनी प्रोब की कहानी भी जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो अपनी फरमाइश कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर लें ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।